Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Assalamualaikum, good morning, Mehekti morning, mubarak, khushamdeed, kaise hain aap sab? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे, सेहतयाब होंगे और खुश होंगे। आजकल एक हर घर में एक डिस्कशन चल रही है, हर घर में एक बहस चल रही है और थोड़ा सा लेट हो गया इस बहस के लिए वैसे, क्योंकि अब तो स्कूल स्टार्ट भी हो गए, लेकिन जो नए एडमिशन्स हैं उनके लिए जो है अभी एक बहस चल रही है। और अच्छे से अच्छे स्कूल में जाना है, सबसे प्रेस्टीजियस स्कूल में जाना है, जिसका सबसे अच्छा जो है वो पासिंग आउट रेट है, जिसका सबसे अच्छा ग्रेड्स का रेट है, उस स्कूल में जाना है। और जो बच्चे वहाँ नहीं जा सक रहे हैं, जिनके एडमिशन नहीं हो रहे, उनके ऊपर एक डिप्रेशन तारी हुआ हुआ है, जिनके मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हो रहे, वो एक एक साल अपना जो है वो ज़ाया कर रहे हैं और दोबारा जो है उसके लिए प्रेपरेशन करेंगे। तो मैंने सोचा आज जो है हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। और इंटरेस्टिंगली मेरी एक दोस्त है शीरान सरोन स्कूल, और वो मुझे बता रही थी, कहती है कि मैं एक स्कूल में गई और एक बहुत बड़ा स्कूल है, बड़ा जाना माना स्कूल है, और कहती है कि वहाँ पर जो मेन चीज़ जिसको फोकस किया हुआ था उन्होंने, वो एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि टोटल बच्चे इतने, पास बच्चे इतने, फेल बच्चे इतने, और दैट्स इट। और उसके नीचे जो है वो बड़ा बड़ा लिखा हुआ कि हमारे यहाँ पर पासिंग आउट रेट जो है वो 98% है कि 99% है, लेकिन दैट्स अबाउट इट। और कहती उसको देख के मैं सोचना शुरू होगी कि क्या बच्चों की जो वैल्यू है, या जो आपकी एज एन इंडिविजुअल, जब आपने बड़े होकर शहरी बनना है, आपने कंट्रीब्यूट करना है सोसाइटी में, आपने कोई ना कोई जॉब जो है अपनानी है, तो क्या आपके नंबर्स ही हर चीज़ के अंदर आपकी जो सलाहियत होती है या जो आप कितना अच्छा कर सकेंगे, क्या कंट्रीब्यूट कर सकेंगे, क्या आपके जो मैट्रिक एफएससी के, ओए लेवल्स के, आपके जो ग्रेड्स हैं, क्या वही मैटर करते हैं? तो ये डिस्कशन क्योंकि मेरे घर में भी चल रही है, मेरे बहन भाई जो हैं वो भी अभी ओए लेवल्स में जा रहे हैं, तो उनसे भी कॉन्स्टेंटली ये बात होती रहती है। और मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें हमने अडाप्ट कर ली हैं, हम लोग बहुत आगे चले गए ज़िंदगी में, लेकिन जब नंबर्स की बात आती है, जब पढ़ाई की बात आती है, तो वो हम वही देखते हैं कि 10/10 आए कि नहीं आए। और अगर आपके 10/10 नहीं आए तो आप नालायक हैं, आपको समझ नहीं आती, आप इंटेलिजेंट नहीं हैं, और आप जो है बस नाक कटवा दीजिए आपने सबकी। तो जिस किस्म का, एक तो ये कि पहले ज़माने में मुझे ये बात समझ आती थी, थोड़ा सा अगर हम एक डेकेट पीछे भी चले जाएं, दो डेकेट्स पीछे चले जाएं, तो तब आपको जो मेन प्रोफेशंस नज़र आते थे, फिर भी कंसिडरेबली टीचिंग था, डॉक्टर थे, इंजीनियर्स थे, और इसी किस्म के जो कुछ मोटे मोटे प्रोफेशंस है वही आपको समझ आते थे। अब जब इतना ज़्यादा एक्सपोजर हो गया है, जब टेक्निकल वर्ल्ड इतना ज़्यादा डेवलप कर गया है, तो आपके जो प्रोफेशंस हैं या जिन जिन चीज़ों में आप एक्सेल कर सकते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। जब आपकी इमोशनल अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है, जब आप इतना ज़्यादा जो है टर्मोइल से गुजरते हैं, रोज़ आप देखते हैं, तो उसके अंदर हमें ऐसे प्रोफेशंस की ज़रूरत है जिनको हम सीरियसली नहीं लेते हैं। अदरवाइज हमें काउंसलर्स की ज़रूरत है, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, हमें स्कूल के अंदर स्टूडेंट काउंसलिंग की ज़रूरत है, हमें जो है अपनी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की ज़रूरत है, हमें सोशल मीडिया के ऊपर जो मैनेज कर रहे होते। कल मैं इसी बारे में सोच रही थी कि जितने भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनका अकाउंट कोई ना कोई मैनेज कर रहा होता है, और उसके अंदर आप जो है इंस्टा, फेसबुक, ये हर चीज़ अलग मैनेज करनी होती है, कोई ना कोई पोस्ट डालनी होती है। और जब मैं सोच रही कि अच्छा ये किसी को मैंने जॉब देनी है, तो आई अंडरस्टूड कि ये एक फुल फ्लेज्ड जॉब है, मतलब ये एक साइड जॉब नहीं है, आप किसी और के साथ नहीं कर सकते, कोई और आपकी जॉब चल रही है उसके साथ नहीं हो सकते, तो ये एक और करियर ऑप्शन है। तो मकसद मेरा इस वक्त ये है कि ये जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, मेरे अपने पेरेंट्स भी बिल्कुल ऐसे थे, पढ़ाई जो थी वो अटमोस्ट थी, अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं तो आपकी हर बात मानी जाएगी, और अगर आपके नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं तो आपकी कोई बात नहीं मानी जाती थी और आपकी कोई वर्थ जो है वो नहीं होती। तो ऐसा मत कीजिए। एक टीचर है, उनका एक बड़ा खूबसूरत लेटर है टू द पेरेंट्स, तो मैं वो जो है आपको बताना चाहूँगी कि उन्होंने क्या लिखा, और शायद टीचर की ज़ुबानी जब आप सुनेंगे, मैं खुद भी एक टीचर हूँ, एंड आई कॉन्स्टेंटली कीप टेलिंग पेरेंट्स कि आप जो है प्लीज़ ऐसा मत किया करें। यहाँ पे बहुत लंबी कहानी है तो मैं इससे आपको जो है नहीं सुना सकती, बट आई टेल यू अदरवाइज द जस्ट ऑफ इट, कि उन टीचर ने पेरेंट्स को कहा कि ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे जो है वो मैथ्स में एक्सेल करें, इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्हें ज़िंदगी में मैथ्स कहीं भी यूज़ नहीं करनी पड़ेगी, वो आर्टिस्ट होंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो फिज़िक्स और केमिस्ट्री के अंदर फुल नंबर लें, हो सकता है कि वो म्यूजिशियंस हो सकता है कि वो फिल्म मेकर्स हो सकता है वो फिलैंथ्रोपिस्ट हो सकता है कि वो जितने भी हमारी अनकन्वेंशनल जो वो है टीचिंग, मुझे लगता है एक
कितना ज़बरदस्त प्रोफेशन है जिसके अंदर हम लोग ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करते या उसके अंदर एक्सेल करके उसके हाईएस्ट अटमोस्ट को जो है वो पहुँचने की कोशिश नहीं करते. टीचिंग सिर्फ ये नहीं कि किताब से पढ़ा देना, एज ए रिसर्चर जो टीचर होता है कितना कमिटेड होता है. कुछ आपको जो है मैं एग्जाम्पल्स अगर दूँ जो दुनिया में जिन्होंने बहुत बड़ा नाम किया या जो डिफरेंट प्रोफेशन से वो आगे आए हैं, उसमें आइंस्टाइन है, हमें सबको पता है, बिल गेट्स हैं और स्टीवन स्पीलबर्ग जो है वो भी हैं. और इन तीनों की मैं आपको कहानी सुनाऊं कि जो आइंस्टाइन है जिन्होंने आगे जाके E इक्वल टू MC स्क्वायर का फॉर्मूला निकाला था, उन्हें बचपन में कह दिया था कि इनका दिमाग इतना कमज़ोर है कि ये मैथ्स कॉम्प्रहेंड कर ही नहीं सकते. ही यूज़ टू कॉन्स्टेंटली फेल इन मैथ. और जब वो घर आते थे तो उनकी अम्मी जो है वो इस बात से बड़ी परेशान होती थी कि इसका क्या किया जाए. एंड ही वॉज अ स्कूल ड्रॉप आउट और उसके बाद आगे जाके ही डिवेलप्ड द फॉर्मूला जिसके ऊपर हमारी बेसिकली जो है बहुत सारे फॉर्मूलाज डिपेंडेंट है और आगे बहुत सारी चीज़ों को हमने डिस्कवर किया है. बिल गेट्स की जब बात होती है, अगेन ही वॉज अ कॉलेज ड्रॉप आउट एज वेल. मार्क जुकरबर्ग की जब बात होती है तो उन्होंने कॉलेज में रह के जो है ये फेसबुक का एक आइडिया डेवलप किया. देन एप्पल के कौन है इंजीनियर, व्हाट इज हिज नेम, स्टीव जॉब्स की जब बात होती है, अगेन ही वॉज ऑल्सो अ कॉलेज ड्रॉप आउट. और उनके सबके बड़े बड़े आइडियाज थे जो कि फिट इन नहीं होते थे सिस्टम में. स्टीवन स्पीलबर्ग की जब मैं बात करती हूँ, इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड डायरेक्टर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ इन हॉलीवुड. और वो अपनी स्टोरी ऐसे बताते हैं कि जब उन्होंने फिल्म मेकिंग के लिए एक बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज में एप्लीकेशन दी तो वहाँ से उन्हें रिजेक्शन आ गई. एंड ऑब्वियसली रिजेक्शन के बाद क्या होता है, अब डीमोटिवेट हो जाते हैं, नहीं समझ आते, अब कि एकदम से सारे प्लान्स जो है वो हैपहैजर्ड हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूँ, दिस वॉज माई गोल और यहाँ मैं नहीं जा सका, सो वट कैन आई डू ना. और उसके बाद जो उन्होंने मेहनत की, खुद उन्होंने एक इंटर्नशिप की, इंटर्नशिप के बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता छोटी मोटी जॉब्स करके एंड ही रीच्ड अ लेवल जहाँ पर ही वॉज द हाईएस्ट पेड डायरेक्टर. और उसके बाद जिस यूनिवर्सिटी ने उन्हें रिजेक्ट किया था उन्होंने उन्हें कॉल किया और कहा कि हम आपको एक ऑनररी डिग्री देना चाहते हैं. यूनिवर्सिटी के लिए भी प्रेस्टीज की बात होती है कि किसी कोई जो इस तरह का डायरेक्टर है या जो वर्ल्ड रेनाउंड पर्सन है उसके पास उस यूनिवर्सिटी की जो है वो डिग्री हो ताकि वो अपने जो एलुमनाई है उसमें नाम डाल सके. और उनकी शर्त ये थी कि जो आप मुझे डिग्री देना चाहते हैं वो मैं सिर्फ तब एक्सेप्ट करूँगा जब उसके ऊपर उस इंसान के सिग्नेचर होंगे जिसने मुझे इनिशियली रिजेक्ट किया था इस यूनिवर्सिटी से. सो द जस्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस इज़ कि आपकी जो काबिलियत है, आपकी जो अहलियत है, जो सलाहियत है आपके बच्चों की, सिर्फ नंबरों पर डिपेंड नहीं करती. इफ़ देर एक्सेलिंग, इफ देर गेटिंग रियली गुड ग्रेड्स, आपके लिए बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है, बी हैप्पी विद इट. बट इफ़ देर नॉट, तो उनसे बैठ के बात करें और उनके अंदर जो छुपी हुई सलाहियतें हैं उनको निकालें, उनको पॉलिश करने की कोशिश करें ताकि वो किसी और फील्ड में एक्सेल कर सकें. अच्छा जी, गेस्ट में आज के अनाउंस करते चलूँ. हमारे साथ होंगे किरण उस्मानी, योगा एक्सपर्ट. स्टार्ट करेंगे दिन हम लोग एक पीसफुल से माइंडसेट से. हमारे साथ होंगे मिसेज हशमत जो कि करती हैं ट्रीटमेंट बाय फूड. आपके सवालात हम तक आ भी चुके हैं, आप लाइव कॉल करके भी अपने सवाल पूछ सकते हैं. हमारे साथ होंगी शेफ हेना जो कि बना रही हैं पास्ता सॉसेज सैलेड. बहुत मज़े का सैलेड होता है, हर जगह ये अवेलेबल भी होता है, बड़ा महंगा होता है, आज हम आपको बनाना सिखा देते हैं. हमारे साथ होंगी निमरा खान जो कि ड्रेस डिज़ाइनर हैं, आज वो बना रही हैं एनिमल प्रिंट एंड सितारा आउटफिट्स एज वेल. आपसे मेरा सवाल ये है, बड़े मज़े का सवाल है कि ऐसे नाम बताएं जिनमें नुक्ते ना आते हों, जो उर्दू में लिखे जाएं तो उसमें नुक्ता ना हो, तो इस तरह के इंटरेस्टिंग नाम जो है बताएं. बल्कि मैं चाहूँगी कि आजकल कोई नए नाम जो बच्चों के बड़े इनोवेटिव नाम जो आजकल रखे जा रहे हैं उसमें से भी कोई नाम जो है आप हमें बताएं. छोटी सी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक बाद आप सकते हैं. इसमें कोई शक नहीं है. अभी हम बात कर रहे थे, याद भी करवाना चाहिए है ना. मैं किरण से बात कर रही थी, मैंने कहा कि योगा जो होता है जो हम आपको यहाँ पे रोज सिखाते हैं वो कितने सुकून वाली एक्सरसाइज है ना, कि आपको एकदम से सारे बॉडी के जॉइंट्स खुल जाते हैं, आप एकदम से सूदिंग इफेक्ट में होते हैं. फिर मैंने कहा जो नमाज पढ़ते हैं लोग रेगुलरली तो वो दिन में 5 टाइम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली योगा कर रहे हैं ऑटोमेटिकली, बगैर कहे उनको जरूरत ही नहीं है. हाँ, और मतलब चले जिस्मानी सुकून तो है ही है, साथ में जो आपकी रूह को सुकून आता है, जबकि दिमाग को सुकून आता है कि आप अल्लाह से अपनी सारे गिले परेशानी शेयर कर लेते हैं. बिल्कुल. और आपको होता है बस कोई है जो सुन रहा है, कोई है कोई ऐसा है जो आगे नहीं बताएगा,
जो आगे नहीं बताएगा, जो राज पोशीदा है आपके, जिसके सामने आपने रो लिया अपने दिल के सारे जितने भी दुख थे वो निकाल दिए, और उसके बाद ये भी होता है आपको ऐसा लगता है बस अब मैंने जो है ना ये सारे दुख बता के तो ये जिम्मेदारी सौंप दी और अब अल्लाह ताला जो है ही विल टेक केयर ऑफ इट। ऐसा ही है जब आप सोच लो ना अल्लाह ताला से ये बस कि आपने ये बात बस मैंने आपको कहनी है। और मैं तो अल्लाह ताला से ना कह, लोग कहते हैं जी गिला शिकवा ना करो, लेकिन मैं कहती हूँ हमारा अल्लाह ना, मैं तो हर बात उसी से करूंगी। हाँ, बिल्कुल। वो जब जानता है कि दिल में क्या चल रहा है तो मैं उसको क्यों ना बोलूं, क्यों ना बताऊं, बिल्कुल क्यों ना बताऊं कि मेरे दिल मांगने की अदा पसंद भी है। हाँ, कि आप उससे मांगो, वो तो चाहता है कि मांगते रहो, उससे मांगो मैं और दूंगा, और अगर नहीं दे रहा तो कुछ बेहतरी है, सब्र करो। हाँ, जो हम लोगों में नहीं रहा अभी ना, कम हो रहा है, किधर किधर जी, बच्चों में भी नहीं रहा, हम जो बस थोड़े पुराने लोग हैं कुछ गुजारा कर रहे हैं थोड़े से, जिनकी ओल्ड सोल्स है ना वो कर रहे होते हैं, ऐसे ही है ना। अच्छा जी, क्या बना रहे हैं आज? सुंदर थोड़ा पास्ता बना रहे हैं, सैलेड। एक तो हम कुक करते हैं, हर चीज चूल्हे पे बनाते हैं, लेकिन ये सिर्फ इतना सा है कि हम बॉयल्ड पास्ता लेंगे, उसमें आपकी मर्जी की चीजें डालेंगी, और ये वो पास्ता जो आप लोग रेस्टोरेंट्स में होटल्स में जाके बड़े शौक से खाते हैं, एंजॉय करते हैं, बड़ा महंगा होता है, महंगा भी होता है, ये बच्चों को बना के दें प्लीज, लंच बॉक्स के अंदर उनको लंच में देने की आदत डालें, अपने घर में बनाएं खुद से चीजें, बार बार मैं ये कहती हूँ ताकि प्लीज सुनने वाला भी बोर हो जाएगा, लेकिन क्या करूँ, मुझे ये कहना अच्छा लगता है कि प्लीज चीजें बने घर पे बनाएं, बच्चों को घर पे बना के दें, और ये वही चीजें मैं लाती हूँ जो आपके घर पे मौजूद होती हैं, ज्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ता। अच्छा, जो मैं चीजें बता दूँ आपको, पहले ऐसा है कि सबसे पहले तो गार्लिक है हमारे पास, ठीक है, ये मैंने कूट के इसको ऑयल के अंदर डाला हुआ है, इसलिए डाला हुआ है ताकि ये काला ना हो। फिर है ये कुटी हुई काली मिर्च, ब्लैक पेपर, नमक डलेगा इसमें, आपकी मर्जी है जितना आपको पसंद है। ये इंग्लिश हर्ब है ओरिगानो, मैंने कई दफा पहले ही बताया कि मार्केट में छोटी सी बॉटल्स मिल जाती हैं, वो लेके आप रख लें, और ये बस हाफ टी स्पून से ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए ये काफी अर्सा चलती है। ये है खुश ड्राई बेजल, किस दिन के घरों में ताजी न्याजबो लगी हुई है जिसको आप कहते हैं न्याजबो, तो वो इस्तेमाल करें, नहीं है तो ये भी उसी तरह से जैसे ओरिगेनो है, इनके रंग में सिर्फ हल्का सा फर्क आपको नजर आ रहा होगा, ये थोड़ा सा ओरिगेनो व्हाइट होता है, ये थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा होगा। उसके बाद है ऑलिव ऑयल, केचप, हरी मिर्चें हमने अपनी चॉइस पे रखी हुई हैं, धड़ा मिर्च भी अपनी चॉइस पर है कि अगर आपको जितना स्पाइसी पसंद है, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो काइंडली ये दोनों चीज़ें निकाल दें, सिर्फ काली मिर्च का इस्तेमाल करें, और अगर आप बड़े खा रहे हैं तो बेशक आप ऐड करें। अच्छा, ये जूलियन कटे हुए टमाटर हैं, ये जूलियन मैंने इसलिए काटा क्योंकि जो मेरे पास पास्ता है वो भी इस तरह से लंबा लंबा है, तो कोशिश ये करें कि जब आपके पास जिस तरह का पास्ता है आप उसमें जो भी सब्जी या गोश्त या चिकन जो डाल रहे हैं वो उसी की तरह का कटिंग में हो ताकि वो खाने में आसानी से आप इंजॉय कर सकें। ये हमारे पास है सॉस, थाउजेंड आइलैंड सॉस है, इसके अंदर केचप, मायनीज और हॉट सॉस, ये तीन चीजों का इस्तेमाल होता है। अगर एक कप आपकी केचप है उसमें आधा कप मायनीज डलेगा और उसके अंदर आपके तीन से चार चम्मच हॉट सॉस के ऐड होंगे। हॉट सॉस नहीं है तो आप थोड़े से सिरका और लाल मिर्च का पाउडर मिला के ऐड कर सकते हैं। ये ड्रेसिंग है या बॉटल में बना के रख लें, आप सैलड्स में इस्तेमाल करें, सैंडविच के साथ आप दे सकते हैं, या कोई फ्राइड आइटम आप बनाते हैं घर पे उसके साथ भी आप ये ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद ये है कैप्सिकम, जूलियन कटी हुई, शिमला मिर्चें, ये आपकी चॉइस है, आपको पसंद है तो जरूर डालें। हरा प्याज, मैंने ये हरे प्याज के जो ग्रीन पार्ट है वो भी डाला है, और जो आगे से जो उसका बल्ब होता है जो प्याज है वो भी ऐड किया है, ठीक है। ये है गाजर, अब आपको पता है पाकिस्तानी गाजर भी वापस आ गई है मार्केट में, तो बजाय दूसरी के आप ये वाले इस्तेमाल करें, सही, उसका तो कोई जायका ही नहीं होता, बिल्कुल फीकी, ब्लैंड, पीली भी, सिर्फ रंग डालने के लिए आपको पास्ता में या जिस खाने में करना है उसके लिए अच्छी है रेड रेड सी। अच्छा, ये है चिकन सॉसेजेस, ठीक, अगर आपने चिकन सॉसेज डालने हैं सॉसेज ऐड करें, अगर आपने कोई और मीट ऐड करना है, ग्रिल्ड चिकन ऐड करना है, बॉयल्ड ऐड करना है, या घर में कोई बचा हुआ है तो वो इस्तेमाल करें, भागे नहीं, बाय ना जाए। मेरे पास है ये फुसीली पास्ता, ये मैंने बॉयल किया था, होप सो कि सबको पता है कि कैसे बॉयल करना है, बॉइलिंग वाटर के अंदर बता दीजिए किस तरह करना है, ये भी है क्योंकि मुझे बड़ा लेट डिस्कवर किया था मैंने। पहले मैं क्या करती थी, ठंडे पानी में ही डाल के फिर चूल्हा ऑन कर दिया, इसको बॉइलिंग वाटर में डालते हैं, हाँ, बॉइलिंग वाटर के अंदर आपने एक चम्मच ऑयल डालना है, उसका ये होगा कि वो जोड़ेगा नहीं, इसको जुड़ने नहीं देगा पास्ता को, जब पानी उबल रहा हो तब आपने उसके अंदर ये पास्ता ऐड करना है। उसके बाद ये डिपेंड करता है कि आपका पास्ता कौन सा है, स्पेगेटीज हैं वो 6 से 7 मिनट लेती हैं, ये फुसीली पास्ता है ये 8 से 9 मिनट लेता है,
मैक्रोनीज हैं वो भी 5 से 6 मिनट लेती हैं. तो पास्ता के ऊपर डिपेंड करता है, जितना छोटा होता है वो उतना कम टाइम लेता है. और आपने फिर चेक भी कर लेना है. वैसे हम होटल के अंदर तो थोड़ा सा इसको अलग दंते रखते हैं ताकि थोड़ा सा वो क्योंकि हम बाद में उसको बार बार यूज करना होता है. लेकिन जब घर में आप बना रहे हैं तो आपने इसको इतना ही सॉफ्ट रखना है कि आप इजीली उसको खा सकें. बिल्कुल हलवा भी ना हो जाए और बिल्कुल सख्त भी ना रह जाए कि आप उसको च्यू ना कर सकें. और उसके बाद जब बॉयल हो जाए, आपको ये लग रहा है कि गल गया है, नर्म हो गया है, तो आपने इसको ड्रेन करना है और उसके ऊपर खूब ठंडा पानी ऐड करना है. ठंडे पानी से ये होगा कि इसके अंदर जो कुकिंग है, जो गर्माइश है, वो रुक जाएगी और पास्ता आपने जितने टेक्सचर का आपको बॉयलिंग चाहिए उस पर ये स्टॉप हो जाएगा. जब ये बॉयल हो जाए, आपने इसको ठंडे पानी में निकाल दिया, फिर आपने दोबारा इस पर 1 चम्मच ऑयल लगाना है. उसका ये फायदा होगा कि ये जुड़ेगा नहीं, अभी ये अलग अलग है सारा. अच्छा, एक और चीज जो हमेशा पास्ता का होता है कि जब भी आप कोई डिश बनाते हैं या कुछ भी, तो जो इन इटसेल्फ पास्ता होता है उसमें टेस्ट नहीं आता. कौन सा वाले में? जैसे बाकी आपने सॉस वगैरह डाल दी, लेकिन जो पास्ता होगा वो ब्लैंड ही होगा जब आप वो खाते हैं ना. अलग अलग फ्लेवर आ रहा होता है. हाँ, वो इस पास्ता के अंदर फ्लेवर कैसे ऐड करेंगे? ये अंदर फ्लेवर वो इस तरह होगा कि आपने पास्ता में जब पानी बॉयल करें नमक ऐड करना है. नमक लाजमी ऐड करेंगे तो इसके अंदर तक जायका जाएगा, वरना तो ये सिर्फ मैदा है, अंडे और मैदा. Exactly, वही मैं कह रही हूँ ना, वरना बिल्कुल ब्लैंड है. सिर्फ और सिर्फ मैदा और अंडों के साथ ये बनता है. 1 किलो मैदे में 8 अंडे डालते हैं, उसको गूंथते हैं हम, खूब हमारी एक्सरसाइज होती है. उसके बाद हम ये पास्ता बनाते हैं. ये जो होम मेड पास्ता, उसमें बड़ी मेहनत होती है, तो उसका कोई फ्लेवर नहीं डाल सकते. अच्छा, घर पे आप बना रहे हैं, आप उसमें चिलीज ऐड कर लें, आप उसमें पालक ऐड कर लें उबाल के, ग्राइंड करके, निचोड़ के, आप उसमें अंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसके अंदर टोमेटो सॉस, जो टोमेटो पेस्ट आती है, वो डाल सकते हैं पास्ता गूंथते वक्त. अच्छा, सही. मैंने देखा कलरफुल स्पिनच पास्तास जो होते हैं ना, वो इसी तरह के बने हुए होते हैं, उसमें थोड़ा सा फ्लेवर भी होता है. वो इसी तरह ही है, पर इसके लिए ये कि अगर आप नमक डाल देंगे तो वो जो बिल्कुल फीका फीका सा टेस्ट आ रहा है वो नहीं रहेगा. अच्छा, मैं शुरू कर दूं सुंदर जी? जी, ये बिल्कुल इजी सी रेसिपी है. ये सब चीजें जो हमारे पास है ना, हमने इसके अंदर बस ये ऐड करनी है. ये मैंने सबसे पहले बेजल डाल दिया, उसके बाद ये ऑरेगानो है. हर्ब्स का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है. ऑरेगानो का तो बहुत 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 अच्छा. नमक आपकी चॉइस पर है, थोड़ा सा पहले हल्का ही रखें तो अच्छा है. ये है ब्लैक पेपर, बड़ा जल्दी से बन जाएगा आपके. जैसे घर पे मैं खुद बच्चों वाली हूँ तो इसलिए मैं बार बार ये बातें करती हूँ कि आप ये बॉयल करके बना के रख लें, सुबह में आप लंच बॉक्स में बच्चों को डाल के दें. गार्लिक जरूर डालें, गार्लिक फ्लेवर इनहेंसर है बेसिकली. तो ये आपको कभी भी उससे भी ये पास्ता का जो टेस्ट बहुत अच्छा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है. ये है टमाटर. वेजिटेबल्स की आदत डालें अपने बच्चों को, ज्यादा से ज्यादा गोश्त खोर जरा कम बनाएं. व्हाट? हाँ जी, व्हाट? ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे सब्जियां खाने छोड़ देते हैं ना. मॉडरेशन में सब कुछ. देखिए, मैं तो कहती हूँ गोश्त में मॉडरेशन ठीक है तो अच्छी बात है. सिर्फ बाहर का अगर गंद नहीं खाते हैं ना, तो इट्स अ विन विन. अगर वो घर पे आप उन्हें गोश्त बना के दे रहे हैं तो प्रोटीन जो है वो बड़ा एक एसेंशियल पार्ट जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं. प्रोटीन बहुत जरूरी है. अच्छा, ये मुझे ना हरे प्याज से एक बात याद आई. क्या? कि मैं घर हरा प्याज लेके आई एक दिन. अच्छा. ये बहुत लग, इतना होता है कोई. हाँ, काफी सारा बड़ा होता है. इतना बड़ा होता है तो उसको जो है वो उसने मुझे रैप करके दिया हुआ. अब मैंने उसे स्टोर करना था फ्रिज में. हाँ. तो मैंने उसकी जो पीछे जो दुम होती है ग्रीन, उसको मैंने आधा काट दिया अपने हिसाब से. कैसे ये मैं फेंक देती हूँ और बाकी रख लेती हूँ. और मेरे घर में बस प्याज प्याज हो गया. उसकी इतनी स्मेल होती है, इतनी ज्यादा. और वो आप कैसे स्टोर करो, वो तो बहुत बड़ा होता है. वो तो नहीं हो सकता. बिल्कुल सही कह रही है ना. तो वो उसको फिर मैंने हाफ जब काट दिया तो उससे, लेकिन इतनी ज्यादा वो प्याज की स्मेल. और मुझे लगता है वो उसका फ्लेवर भी फ्रिज में भी उसकी स्मेल. आप उसको बार में लपेट के रखें. हाँ, लेकिन आप भी उसके जो टहनियां होती है, जो धूम होती है, जो उसको कहते हैं, उसको अपने काटना नहीं है. आप फोल्ड करें, उसको अखबार में रैप करें और उसको स्टोर करें, उसको ऐसे रख लें. मेरे खराब नहीं होगा. नहीं, ये देखें हमारा सैलेड ऑलमोस्ट तैयार हो गया. ये बहुत इजी से मिक्स करते हैं. एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हो गया. ब्रेक में आते हैं. वेलकम बैक टू मेहेक्ति मॉर्निंग. हमारी रेसिपी तैयार है, हमारा मज़ेदार सा सैलड, एंड आई कांट वेट टू ईट इट. आप लोग माइंड करेंगे अगर मैं साथ साथ खाना भी खाती रहूँ, आप लोगों से बातें भी करती रहूँ, शो भी होस्ट करती रहूँ.
क्या जाएगा, है ना? अच्छी बात है ना. देखिए मैं तो आपको बताती हूँ, घर का एक सवाल जो हर घर में हर सुबह, आज क्या पकाना है, तो मैं सुबह सुबह, है ना, मैं सुबह सुबह आके आपको बता देती हूँ कि हम आज क्या बना रहे हैं. और बड़े सादे सादे से हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कोई इतनी फैंसी डिशेस तो नहीं बताते आपको. आप जल्दी सुबह इकट्ठी करें और बना लें, और आपका ये जो दिन का ये मसला होता है ना, ये हम सॉल्व कर सकते हैं. हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है निमरा खान ने, माई ड्रेस डिजाइनर. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छी लग रही है. थैंक यू. एंड जुमा मुबारक, आज काफी फ्रेश दिन है. मुबारक, खैर मुबारक, आज सारे ही बड़े फ्रेश हैं. जुम्मे के दिन मैं हमेशा फीलिंग अच्छी आती है कि पूरे वीक के, क्योंकि वो ड्रेसेस डिसाइड करने होते हैं क्या पहनना है और इसके साथ क्या जाएगा. एंड मैं इतने फैंसी ड्रेसेस तो पहनती नहीं, तो जुम्मे को जो है मुझे हमेशा होता है कि मैंने शलवार कमीज पहनी है, कुछ सादा सा पहनना है. एंड जुम्मे को ही समहाउ हर चीज खुद ब खुद मैच कर जाती है. बिल्कुल ऐसा ही है, और हर चीज बहुत अच्छी फील होती है, क्योंकि बहुत अच्छा दिन लगता है. जुम्मे का स्पेशल दिन होता है जिसमें बंदा बहुत फ्रेश फील करता है, और आगे वीकेंड भी होता है ना, उसकी भी बड़ी खुशी हो रही है ना. अच्छा जी, आज हमने डिस्कस करना है क्या? बेसिकली हम एनिमल प्रिंट्स और जो बन चौक वाली जितनी कट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे. साथ में हमने सितारे को भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया है. आज हम आपको दो आउटफिट्स दिखाएंगे, वो इसलिए ताकि आपको पता चल जाए किस तरीके से हम बन चौक्स को वेरिएशंस के साथ यूज कर सकते हैं. अच्छा ठीक है, सही, जबरदस्त. वैसे एनिमल प्रिंट जो है बड़ा ट्रिकी प्रिंट है. बिल्कुल ऐसा ही है. आप एनिमल प्रिंट पहने तो आप अचानक से आंटी भी बन सकते हैं. बिल्कुल ठीक है. और आप एनिमल प्रिंट पहन के एकदम से सुपर मॉडल वाली लुक भी आ सकती है जी. लेकिन इट डिपेंड्स ऑन कि कौन सा प्रिंट आप जो है वो सिलेक्ट जी. बिल्कुल, और फिर फिजिक के लिहाज से भी, क्योंकि कुछ जेब्रा प्रिंट्स होते हैं या हाँ. वो फिर बहुत ज्यादा हेल्दी फिजिक पे अच्छे नहीं लगते हाँ. उनके लिए टाइगर प्रिंट्स जो होते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं, वो हम यूज कर सकते हैं. इवन स्नेक प्रिंट भी आप यूज कर सकते हैं. आज जो मैं आपको ड्रेस दिखाऊंगा उसमें तकरीबन मैंने हर प्रिंट का रिपीट दिया है. वो डिजिटल प्रिंट भी हुआ हुआ है, और वो मैंने ड्राई मोटे फैब्रिक पे आप यूज कर सकते हैं. उस पे मैं आपको एक लुक दिखाऊंगी आज. अच्छा, अच्छा, कि किस तरीके से हम डिफरेंट प्रिंट्स को कंबाइन करके एक अच्छा सा आउटफिट बना सकते हैं और एक अच्छा सा प्रिंट क्रिएट कर सकते हैं. क्योंकि बहुत से ऐसे प्रिंट्स होते हैं जो हम लैपटॉप के ऊपर बैठे बैठे रिपीट्स के थ्रू बना देते हैं. अच्छा. क्योंकि सिंपल एक टाइगर प्रिंट हो ना बहुत बोरिंग लगता है, उसके साथ अगर आप डिफरेंट एनिमल्स के प्रिंट्स को कंबाइन करेंगे तो वो एक अच्छी लुक आती है ड्रेस में, डिफरेंट सी लुक आएगी. अच्छा, एक रूल जो आपने जिस तरह प्रिंट की अभी बात की, जो आपने याद रखना है कि अगर आपकी फिजीक जो है वो थोड़ी बल्की है, या इवन बल्की नहीं, अगर आपकी थोड़ी चौड़ी फिजीक है, तो आपने जो है वर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो नहीं पहननी. बिल्कुल, क्योंकि उससे मतलब और चौड़ा लगता है, और चौड़ा लगना ये थोड़े बहुत ट्रिक्स हैं जो इंसान अगर फॉलो करे तो वो अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकता है. प्लस फ्लोरल प्रिंट्स की जहाँ पे बात आती है, तो बहुत बड़ा फूल ना पहने, दरमियाना फूल पहने. प्लस आप आजकल सफारी प्रिंट्स बहुत ज्यादा इन है, आजकल प्लांट्स बहुत ज्यादा यू नो इन्फ्लुएंस है प्रिंट्स में. प्रिंट्स और प्लांट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो तो बहुत मजे का. और कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सफारी प्रिंट्स एनिमल प्रिंट्स होते हैं, बट वो डिफरेंट होते हैं. उसमें आप सफारी में आप प्लांट्स भी आ जाते हैं, फिर डिफरेंट जो एनिमल प्रिंट है वो बेसिकली फ्लावर्स आ सकते हैं, ट्रॉपिकल जैसे प्रिंट्स होते हैं. जो एनिमल प्रिंट्स है बिल्कुल सेपरेट सेक्शन है. सफारी में फिर आपकी कार्स भी आ जाती हैं, किस तरीके से वो एक डिजिटल प्रिंटिंग के थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं. और एनिमल प्रिंट्स में से भी कुछ एनिमल के प्रिंट्स है जो आप पहन सकते हैं, जैसे स्नेक प्रिंट हो गया, या चीता प्रिंट हो गया, या ज़ेब्रा प्रिंट हो गया, काऊ प्रिंट नहीं पहन सकते. इवन जिराफ प्रिंट इज वेरी इन. डेल्मेशियन प्रिंट भी मैंने देखा, लेकिन वो जरा वेस्टर्न आ जाता है. इट्स अ लिटिल फनी एज़ वेल. शलवार कमीज के हिसाब से भी हम देखेंगे. हमारे साथ एक कॉलर है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक. आपका शो बहुत अच्छा है और आप बहुत क्यूट हैं. Thank और हमारे आपका ना ईद पे बहुत अच्छे शो थे, सारे हमने देखे हैं. थैंक यू. बस कॉल हमारी नहीं मिलती. आज को जुम्मे का दिन मुबारक दिन है, जो आज हमारी कॉल मिल गई है. कॉल का बड़ा मसला होता है, सबको गिला होता है हमसे कॉल का. अच्छा, मेरा जो आज का सवाल है वो तो बताएं, कोई ऐसा नाम बताएं जिसमें नुक्ता ना हो. नाम मोहम्मद, इरम, असद, इल्मास, ताहिर, हसाम. तो ऐसे हाँ, बहुत सारे आपने मुझे बता दिए. अच्छा, कोई मुझे नया सा नाम बताएं, है दिमाग में कोई? आजकल बड़े मॉडर्न मॉडर्न नाम रखे हैं ना बच्चों के लोग. नहीं, अभी तो मेरे दिमाग में नहीं है, बस ये मैंने नाम नोट किए हैं, इल्मास और हसाम और असमा, ये नाम मैंने देखे हैं. नया नाम अभी तक मेरे जहन में कोई नहीं आया. वाह, जबरदस्त भाई, जबरदस्त. अच्छा, आपका अपना नाम जो है जी, इसमें भी तो नुक्ता नहीं आता ना? नहीं आता है. नहीं, कैसे नहीं आता? सबसे पहले आता कामरान.
सोच के बता रहा था मुझे कामरान, मुझे कहने के अपने भी नहीं आता, फेम ही नहीं आता शुरू में. लेकिन आपने मुझे बहुत सारे जो है नाम बता दिए, वेरी गुड भाई, हमारे इंटेलिजेंट कॉलर्स हैं. और भी कॉल करो, मुझे कोई इनोवेटिव नया नाम बताएं जो आजकल रखे जाए. पहले ये होता था कि यूजुअली जो नाम है वो कुरान में से देख के रखे जाते हैं, मुस्लिम नेम्स होते हैं. अब जो है वो थोड़े टर्किश नाम भी जो है वो रखे, अब लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस यू नो उसमें भी रख रहे हैं और बहुत इंस्पिरेशन ले रहे हैं बाहर से भी ना काफी. तो बहुत डिफरेंट, क्योंकि हमारे जमाने में आयशा, आमना ये सारे नाम बहुत कॉमन होते थे, अब तो देखें तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट नाम सुनाई देते हैं. मैं हमेशा एक जो है फनी स्टोरी बताती हूँ कि हमारे एक जानने वाली थी, तो हमारे नाम इस तरह वो रखा जाता है कि मैं जो है वो उस तरह कुरान को खोलूंगी, उसके अंदर जो भी वर्ड पे आएगा, अच्छा, अगर वो उसका जो है खूबसूरत सा मीनिंग जो है वो मैं अपनी बच्ची का नाम रख दूंगी. तो उन्होंने जो बहुत अरसा नाम रखा, बट नॉट एग्जैक्टली याद नहीं है, आई थिंक इसकी यही ट्रांसलेशन है सारे का. अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये यही है कि नहीं, पर जो वर्ड था उसका मीनिंग आपको बता देती हूँ कि उस बच्ची का नाम कोई 3-4 साल जो है यही नाम था, उसे सब बुलाते थे. और एक दिन हम उनके घर गए तो जो मेरी अम्मी है वो उसे उन्हें कहती हैं कि ये क्या नाम रखा बेटा आपने अपनी बेटी का, तो कहती नहीं मैंने तो कुरान में से देख के रखा है. तो कहती हैं कि आपको उसका मतलब भी आपने देखा था नीचे क्या था, तो वो कहीं उस लफ्ज का मतलब जो है चोरनी था. अच्छा, कि आपको तो हर किस्म की मतलब पूरा वाकया बयान किया गया ना उसमें, डिफरेंट चीजों का जिक्र है, डिफरेंट उसका है, तो आपने उस वर्ड का मतलब भी तो देखना है कि वो साउंड तो अच्छा कर रहा है पर एक्चुअली व्हाट डज इट मीन जो आप नाम रखे. और नाम का काफी असर भी होता है, असर भी होता है, क्योंकि मेरे भाई दोनों ट्विन्स हैं और उनका नाम उसाफ और दर्जात है. अच्छा, तो वो भी बहुत डिफरेंट नेम्स हैं एज कम्पेयर जो बाकी आजकल. नहीं, दे आर, दे आर वेरी डिफरेंट, सिफ्तों वाला और दर्जों वाला, तो ये कुरान में से ही है. अच्छा, तो इस तरह के नाम का काफी असर होता है, तो आई थिंक यू शुड चूज वेरी वाइजली. हां, यू शुड चूज वेरी वाइजली, मेरे से थोड़े रिकमेंडेशन से. और मैंने तो सुना लोग नाम चेंज भी करवा लेते हैं अगर वो है कुछ ज्यादा मसले मसाइल हो रहे हैं ना, लेकिन नाम सूट नहीं किया. अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर है. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं आप. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी. मैंने नाम बताने थे. जी जी बताइए. इस्सा, उर्वा, मावरा, अमर, आयला, महालका, अस्वद, लड़कों में अस्वद, समद, मालिक, हाकिम, आदिल, आहद, हादी. बहुत ही बाकी लिख के बता रही है, इतनी जल्दी आपने फिगर आउट कर लिए हैं. लिख लिए थे मेरा सवाल सुन के? नहीं नहीं, ये याद है मुझे, बहुत जो है वो हुई है ना. क्या बात है, जबरदस्त भाई, जबरदस्त. अच्छा, हमसे कोई सवाल है आपका? हमारे पास अभी मिसेस अशमत भी आने वाली हैं और हमारे साथ हमारी ड्रेस डिजाइनर भी हैं. नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा, आप तो हर चीज बता देती हैं. आज तो पास्ता बनाया हुआ है और मैं ये जरूर ट्राई करूंगी. जरूर, बड़ा आसान सा है, और पास्ता सैलेड बनाए और इसको खाएं और बहुत ही मजेगा होगा. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, आपने बहुत सारे नाम बता दिए है ना. तो कोई इस वक्त अगर किसी का बेबी हुआ और वो सोच रहे हैं कि उन्होंने क्या नाम रखना है, तो आज जब हमारा शो देखें इसमें आपको बहुत सारे आइडियाज जो है वो मिल जाएंगे. छोटी सी ब्रेक के टाइम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और हम ड्रेस भी जो बड़ा हसीन सी मॉडल में हसीन सा ड्रेस है ना, ये भी हम डिस्कस करते हैं. वापस आइए. वेलकम बैक टू मेहकती मॉर्निंग. हमें ज्वाइन किया यहाँ पे द वेरी ब्यूटीफुल मिसेस अशमत ने. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है. अपनी सेहत का ख्याल रखा करें, आपकी दुआ चाहिए. देखिए मेरी अम्मी मुझे कहती हैं तुम बहुत हिटलर हो इस मामले में. जब मैं डांटने पे आती हूँ ना, मैं बहुत डांटती हूँ. हमारी माएँ और हमारे जो इस तरह के प्यारे प्यारे लोग होते हैं ना, इनको होता है बस किसी को तकलीफ ना हो, किसी को मैं जो हूँ आउट ऑफ द वे ना ले जाऊँ, और वो अपनी सेहत को कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं. तो ये नहीं होना चाहिए बस, सेहत से ज्यादा बढ़ के हमारे लिए कुछ भी नहीं है. और ये मैं सच में बाकियों को डांट रही होती ना, इसलिए मैं उन्हें बता कि अपनी सेहत हमें बहुत प्यारी है. नहीं, आप खुद बहुत प्यारी हैं, आपकी दुआ चाहिए, अल्लाह का शुक्र है. इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्द जो है सेहत याब हो जाएंगे. अच्छा, बहुत सारे आपके सवाल मुझ तक पहुँच भी चुके हैं और आप कॉल भी जो है हमें करके तो पूछ सकते हैं जो भी आपके सवाल आते हैं. अच्छा जी, पहला सवाल मैं पूछती हूँ, महवेश गुजरावाला से पूछ रही है. अस्सलाम वालेकुम सुंदर साहब. वालेकुम सलाम. मेरी एज 18 ईयर्स है, लेकिन हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से मैंने बालों की कटिंग करवा के शोल्डर्स लेंथ कर दी है, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. इसका छह बता दें. आजकल विटामिन डी भी बहुत कम है, उसकी वजह से भी बाल गिरते हैं. आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से भी बाल बहुत गिरते हैं.
और वैसे भी ये मौसम है बाल गिरने का, अगर 100 तक बाल गिरे तो आप परेशान ना हो, इससे ज़्यादा गिरे फिर परेशानी है। एक तो अपनी खुराक में पालक, फ्रूट में अनार, ड्राई फ्रूट में चलगोजे ये रखें, और दूसरा ये ऑयलिंग के लिए आप जैतून के तेल में मेथी दाना डालें, 3-4 दिन के लिए उसको धूप में रख दें और वो तेल इस्तेमाल करें, जादू की तरह बाल निकलते हैं। जैतून के तेल में मेथी दाना डाल के, उससे मेथी की स्मेल तो नहीं होगी? नहीं, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कि मेथी की स्मेल वैसे ही नहीं जाती ना, खा लो तो उसके बाद बिल्कुल भी नहीं होता। तेल में, उसके तेल में जैतून के तेल में मेथी दाना जो है डाल के, अच्छा जबरदस्त। एक और सवाल जो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था, तो मैंने कहा एक साथ ही वो कर लो, वो ये कि आजकल एक वायरल फैला हुआ है ये चेंजिंग मौसम में, हर किसी को फ्लू, जुकाम, फिर वो खांसी, तो इस सीजन में क्योंकि एक तो गर्मी भी है अभी, तो उसमें पसीने वाला सिस्टम भी नहीं हो सकता कि आप अपना पसीना निकलवाएं फिर, तो क्या करें कि अवॉइड कर सकें इस वायरल को? एक बंदे को घर में होता है सबको हो जाता है। एक तो ये है कि आप इसको रोक नहीं सकते, इसको कहते हैं एयरबॉर्न डिजीज। हम अच्छा। सब तो सांस लेते हैं बिल्कुल, और वो पार्टिकल हमें नज़र भी नहीं आते। इसका बेहतरीन हल ये है कि जहाँ बैठे एक कट्ठा, जहाँ आप बैठते हैं जैसे यहाँ हम हैं, एक प्याज काट के रख लेना, वो सारा जो वायरस है वो प्याज ले लेते हैं, इंसान बच जाता है। दूसरा ये कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें ताकि आप बीमारी ना हो। बिल्कुल, इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रांग रखेंगे? शहद में दालचीनी का पाउडर मिक्स करके पेस्ट बना लें, सुबह और शाम एक एक चम्मच लें, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो वायरस आपके ऊपर असर नहीं करेगा। ठीक है सर, बस आपने जो है इम्यून सिस्टम अपना स्ट्रॉन्ग करना है ताकि आप इससे बचे रहे, और जब एक दफ़ा हो जाता है तो इसका एक पूरा जो कोर्स है वो होकर ही गुजरता है। और मैंने उस दिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी एंटीबायोटिक्स के बारे में, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले हमारे साथ एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग एंड जुमा मुबारक। गुड मॉर्निंग एंड खैर मुबारक, कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक, और माशाल्लाह से हमेशा की तरह आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, ये आपका बस प्यार है जो आपको मैं अच्छी लगती हूँ। जी बिल्कुल, और आज जो आपने नामों के बारे में पूछा है तो मैं, मेरे पास काफी लंबी एक लिस्ट है। अच्छा, बगैर नुक्ते के नामों की। अच्छा, जो पहले कॉलर्स ने नहीं बताया उस तरह के कोई जो है ना, इंटरेस्टिंग से नाम बताए। इंटरेस्टिंग से हसाम, अता, अरहम, आदिल, मूसा, साइमा, मोहम्मद, हादी, मेहदी, रिदा, उसामा, उमर, आमिर, सारिया, गुल, माहिरा, उर्वा, मावरा, सोहा, हम्द, माहा, रमा, अस्मा, अम्मार, आसिम, माहम, दुआ, अली, मेरहा, सारा, सिद्रा, वर्दा, हुमामा, आतिर, अहमद। बस बस बहन, बस बस ठीक है, जबरदस्त, क्या बात है आपकी, बहुत सारे लिस्ट है ना। मुझे लगा था ये थोड़ी सी शायद मुश्किल सवाल हो, क्योंकि मुझसे जब पूछा तो मैं अपने दिमाग में पहले ना एक तोए और ते और इस तरह की चीजों के अंदर ही जो है फंस जाते हैं। जबरदस्त भाई, बहुत अच्छा आपने बताया। अच्छा, मैं क्वेश्चन भी करना चाहूंगी। जी जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक तो खांसी के लिए कुछ ऐसी रेमेडी बताएं कि यानी बहुत जल्दी उससे फायदा हो जाए, जो रात को एक धसका सा लगता है ना सोते हुए, खुश्क खांसी, उसके लिए बताएं, क्योंकि अब देखें सीजन चेंज हो रहा है तो बच्चों बड़ों को सेम प्रॉब्लम है, एक तो उसके बारे में बताएं, और जो कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा टैंग हो जाता है सफोकेशन के सीजन में, उसके लिए टैन जो हो जाता है आपका ये ह्यूमिडिटी के सीजन में। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा इसका बताएं, और दूसरा ये जो सूखी खांसी होती है स्पेशली जो रात को ज्यादा हो जाती है, इसके लिए कुछ बताएं। ठीक है जी जी, असल में खुश खांसी खांसी नहीं होती है, ये एलर्जी होती है। अच्छा, और वो बड़ी सख्त होती है, बड़े इंसान डिस्टर्ब होता है। 3 लौंग, 3 काली मिर्च और 3 किशमिश ये उसी वक्त आप चबा लें, ये इलाज नहीं है लेकिन टेम्परेरी रिलीफ है। 3 लौंग, 3 काली मिर्च और 3 किशमिश। हाँ, और वही शहद और दालचीनी का पेस्ट ऐसे लोग जरूर यूज करें ताकि इम्यूनिटी उनकी स्ट्रांग हो, तो उनको ये तकलीफ ही ना हो। ठीक है, उससे जो है आपकी खांसी हो जाएगी। अच्छा, जो कम्प्लेक्शन टैन हो जाता है। अच्छा, रात सोते वक्त मुझे इस पे हंसी भी आ रही, लेकिन मैं बाद में आपको बताऊंगी कि वो क्यों। 1 चम्मच लेमन, 1 चम्मच दही और 1 चुटकी हल्दी, ये मिक्स करके चेहरे पे लगाया करें। अच्छा, ये नेचुरल ब्लीच है, स्किन साफ हो जाती है। ठीक है, इससे आपका जो है कम्प्लेक्शन में, मैंने सुना टमाटर के पेस्ट से जो है, टमाटर का पेस्ट जो है वो इसके लिए है, अगर आप धूप से टैन हुए हैं या आपको सन बर्न हुआ है टमाटर लगाएं, या आपकी अगर ब्लैक हेड्स इतने डीप है कि वो निकलते नहीं है तब भी टमाटर लगा लें। अच्छा, ब्लैक हेड्स के लिए भी है ये, जबरदस्त। कुछ लोगों के बहुत है, भी है ना, घर में होते हैं टमाटर, उसका पेस्ट बनाएं आप, लगाएं और उससे जो है वो आपके ब्लैक हेड्स भी जो है वो आसानी से निकल आएंगे। ठीक है जी। अच्छा, मुझे कान के लिए भी बताएं, जिन लोगों के कान में इन्फेक्शन हो जाए या बहुत ज्यादा खारिश हो और कभी कभी दर्द भी हो, तो उसके लिए क्या है? बहुत आसान रेमेडी है उसके लिए, प्याज को कूट के उसका पानी निकाल लें, नीम गर्म करके कान में डालें,
कतरा जाता ही ऐसे लगता है जैसे आपने कोई गोली खिला दी और दर्द खत्म हो गया। अच्छा, इससे इन्फेक्शन भी खत्म होता है और जब इन्फेक्शन खत्म हो जाए तब खारिश शुरू हो जाती, क्योंकि वो फिर ड्राई हो जाती है ड्राइनेस की वजह से। तो उसको ख़त्म करने के लिए लहसुन को थोड़े से ऑयल में जला लें, जैतून का तेल हो तो ज़्यादा बेहतर है। असल में जैतून और आलमंड ऑयल ये एंटी एलर्जिक है, इसलिए हम यही बताते हैं। सही, हमारे जो है वो सरसों का तेल वो बेहतरीन है, लेकिन किसी किसी को उसको उससे एलर्जी हो सकती है। अच्छा अच्छा, सही। तो आप जैतून के तेल में थोड़ा सा ये जला लें लहसुन और वो एक कतरा डालें, लुब्रिकेशन हो जाएगी तो खारिश भी खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी क्योंकि ये एक जब आपके कान में इन्फेक्शन होती है ना तो कॉन्स्टेंटली एट द बैक ऑफ योर थ्रोट आपको जो है ना वो, और इसको पानी से आपने बचाना है। अगर आप नहाते भी हैं तो थोड़ा सा आप कॉटन लुब्रिकेट कर लें ऑयल में और वो कान में लगा लें, तब आप नहाएं। अच्छा, कॉन्स्टेंटली साफ नहीं करना पानी? नहीं नहीं, वो पानी ना जाने दें, उसकी वजह से होता है। सही, हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं सादिया बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? जी शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। जी मैं आपसे बहुत फैन हूँ और मैंने ना मिसेज हशमत से बात करनी। जी जी जी, बात कीजिए जी। वो ना आपसे पूछना था कि मेरे भाई हैं 20 साल के, उनके ना मुंह पे जो ना दाने बनते थे और ना उनका रंग थोड़ा ना ब्लैक था, काम करने की वजह से ना धूप से ब्लैक हो गया था रंग, जिसकी वजह से उसके दोस्त ने उसे कहा कि तुम ना एक टूप लगा लो ठीक हो जाओगे। क्या करो? वो वाली एक टूप लगा लो, क्लोबियो एक टूप लगा लो। अच्छा अच्छा अच्छा, उसने वो टूप लगाई है, अब उसके मुंह पे रैशेज हुए पड़े हैं यहाँ पे मूछों पे दाढ़ी पे, है पता नहीं क्या लगवा दिए हैं। तो ना वो ठीक नहीं हो रहे, बहुत ज्यादा दवाइयाँ ली हैं, बहुत ज्यादा टूपे लगाई हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहे वो। अच्छा, तो इसके लिए क्या वो लगाएं जो ठीक हो जाएंगे? अच्छा, आपको कुछ पता है क्या कौन सी ट्यूब लगाई थी उन्होंने? क्लोजियो में टूप लगाई थी। अच्छा, ये इसको तो समझ नहीं है। अच्छा, हम आपको बताते हैं कि वो उससे रैशेज हो गए हैं और उसमें खारिश भी होती है। हेलो, जी जी जी, मैं कह रही हूँ उनमें खारिश भी होती है जो वो पूरे रेड रेड हुए हुए। नहीं, खारिश तो इतनी नहीं होती, बस बहुत ज्यादा रेड है। और मैंने अपने बारे में ये बात करनी थी, आप ही, मेरी उम्र जो है ना 18 साल है। अच्छा जी, तो जब से मुझे मेंसेस आते हैं ना तो मैं दर्द भी होती है और उसके अलावा जो है ना बस लिकोरिया बहुत ज्यादा आता है जी, तो वो ठीक नहीं होता। दवाइयाँ इतनी खाई हैं, कमर में दर्द रहता है और मैं सूख सूख के ऐसे हुई पड़ी हूँ जैसे लकड़ी हुई होती है। कहाँ से बात कर रही हैं? कहाँ से बात कर रही हैं? ये मुजफ्फरगढ़ से बात कर रही हैं। ठीक है जी, हम आपको जवाब दे देते हैं। अच्छा, स्किन इतना वास्ट सब्जेक्ट है, जब तक देखा ना जाए हम सही बात नहीं कर सकते। एलोवेरा बेहतरीन चीज़ है स्किन के लिए। ठीक, आप बालों में भी लगाएं, आप स्किन के लिए भी लगाएं, जब तक आपकी स्किन ठीक नहीं होती आप एलोवेरा 24 घंटे लगाए रखें। ठीक। और दूसरा इसके मेंसिस का, आजकल ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, शेवर के अंडे मुर्गियाँ जंक फूड बंद कर लें। ठीक है। अजवाइन, कलवंजी, साबुत इसबगोल, मेथी दाना, चार चीज़ें हैं, वो बराबर वजन में मिक्स कर लें। साबुत 3 उंगली की चुटकी में सुबह नहार में रात सोते वक्त साबुत निकल लें। पीरियड शुरू जो है तो बंद कर लें, ख़त्म हो जाए तो दोबारा शुरू करें। ये कहती कि मैं सूख के कांटा हो गई हूँ या लकड़ी हो गई हूँ। तो अपना थायराइड प्रोफाइल ज़रूर करें, कभी थायराइड मेल फंक्शन की वजह से वज़न कभी बढ़ जाता है और कभी बहुत कम हो जाता है। कभी बहुत कम हो जाता है। और अपने जो आपके भाई हैं उनको प्लीज़ जल्द से जल्द किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं, क्योंकि अगर इन्फेक्शन बहुत अरसा रहता है और वो रैशेस बहुत अरसा रहते हैं तो वहाँ पे परमानेंट स्कारिंग भी हो सकती है और फिर उसको रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली किस चीज़ से एलर्जिक रिएक्शन हुआ है और वो स्किन के ऊपर क्या हुआ है, फंगस है या कोई और चीज़ है। तो कोई भी हम आपको यहाँ चीज़ बताएंगे, एलोवेरा से कोई क्योंकि नुकसान नहीं है तो वो सूद कर देगा, लेकिन किसी अच्छे से डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए और ये दिखाएं। जरा छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक टू मेहेकती।
मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया है यहाँ पे मास्टर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। निम्रा क्या बना रहे हैं आज? आज हम बेसिकली क्योंकि बन चॉक्स हमारा टॉपिक है तो उसी में हम एक ट्रेंडी सी टॉप बनाएंगे फ्रंट ओपन बटन के साथ। अच्छा, बन चॉक बहुत ज्यादा हेल्दी लड़कियों के साथ सूट नहीं करता क्योंकि फिर उनका हिप और लोअर एब्डोमिनल बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। आई थिंक अगर वो पहनना चाहती है बन चॉक्स तो थोड़ी लूज फिटिंग में पहने क्योंकि जितना बन क्योंकि हर एक को फिटिंग्स पहनने का तो शौक होता है लेकिन स्टिल आपने अपनी फिजिक के लिहाज से देखना है कि किस तरीके से। इवन अगर आपकी पेयर शेप्ड बॉडी है जो हमारा साउथ एशियन खवातीन की मोस्टली जो है वो पेयर शेप्ड बॉडी होती है तो उस पे भी जो है बन चाक पर जब तक वो ऊपर से भी खुले ना हो तो बहुत बुरे लगते हैं। और आपने एक नॉर्मल फिटिंग्स जो है ना वो पहननी होती है स्पेशली वो क्योंकि स्लिम बंदी तो हर फिटिंग पहन सकती है लेकिन जब जब हमारी पेयर शेप बॉडी की आ गई या एप्पल शेप बॉडी की आ गई तो उसमें आपने बहुत सोच समझ के बन चॉक्स वाले कट लाइंस कैरी करने पड़ते हैं। आज जो हम बना रहे हैं वो सिंपल टॉप है और उसको हम बन चॉक्स कहाँ से देंगे वो हम देखते हैं क्योंकि फैब्रिक हमारे पास जॉर्जेट है और प्रिंट भी हमारा सिमिलर टू एनिमल प्रिंट है जो कि जेब्रा इंस्पायर्ड हमारे पास प्रिंट है। इसके ऊपर हमने एक शेप बना लिया। मास्टर साहब आपको आगे बताते हैं कि किस तरीके से हम करेंगे। कटिंग शुरू करनी है ना आपने तो सर फ्रंट ओपन के आपने ये दो कपड़ा छोड़ना आपने जो आपकी जन की जो पट्टी है ना ये वाली ये इसमें फोल्ड हो जाएगी वाली। अगर ज़्यादा बारीक कपड़े है तो उसको आप तुरपाई कर लें। ठीक है। अगर आपका कॉटन है या लॉन है उसको उसमें बुकरम रख के सिलाई लग जाती है। इसमें बुकरम लगाने की जरूरत नहीं होती। इसको तुरपाई करके आप काज भी कर सकती हैं। अगर कोई जन के अगर ओपन नहीं करना चाह रहा तो उसको आप सिलाई लगा के बंद कर दें और नीचे से आपने कट आपने लाजमी छोड़ना है क्योंकि फ्रंट ओपन नजर आए कि फ्रंट ओपन शर्ट है। ठीक है। उसके आप बैंड लगाएं या कोई गला बनाना चाहें तो इनमें दोनों चल सकते हैं। गोल गला भी बन सकता है। अगर कोई अगर बैंड नहीं पहनना चाह रहा तो उसमें गोल गला बना लें क्योंकि बैंड बहुत ज्यादा स्मार्ट लगती है आपकी। इसके साथ आप फ्रंट पे जिपर भी लगा सकते हैं। आजकल जिपर्स का फैशन विंटर्स क्योंकि आ रही है उसमें जिपर्स जो आपके विजिबल होते हैं स्पेशली और मोटे जिपर्स होते हैं मेटालिक वो बहुत ज्यादा इन है। बैंड कॉलर भी अच्छा लगता है। बैंड कॉलर्स भी उसमें गर्मियों में तो थोड़ा सांस घुटना शुरू हो जाता है लेकिन सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है। इनके बैंड चलते हैं इसके अलावा इनके हर गले के साथ सभी पहन जी तो अब नहीं होते ना तो वो सारे इनके नहीं पहनते बाकी इनके थोड़े पहन चले। अच्छा जबरदस्त। बाजू हो गए बाजू बटन वाले उन्होंने चल रहे पूरे सर्दियों में पूरी सर्दियों पूरी सर्दियों। और अब हम इसकी जब फैशन ज्यादातर होता है तो गर्मी में होता है बस। ये तो है वाकई। अच्छा मैंने तो खैर लेकिन आजकल जितने भी रेडीमेड आपके प्रेट वेयर जो आ रहे हैं उस सबके बैंड कॉलर्स होते हैं। आई थिंक सो क्योंकि वो एकदम से सोफिस्टिकेटेड लगता है तो उसका जो है वो यू नो इट्स इजीियर टू कैरी। इसके हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। कटिंग स्टार्ट करते हैं ताकि हम जो है इसका एक आपको जो शेप हमने इसकी बना दी इसकी कटिंग अब हम स्टार्ट करते हैं तो आपके पास एक शेप प्रोमिनेंट हो जाए। ठीक है जी। हम ये ड्रेस भी डिस्कस करते हैं। बिल्कुल ये ड्रेस हमारा चूंकि हमने ये सितारे का फैब्रिक किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं उसमें हमने बन चौक वाला बहुत फिटेड जो है बॉटल शेप ड्रेस है ये। इसके अंदर आप इसको और मजीद लॉन्ग भी कर सकते हैं क्योंकि ये जर्सी सितारा फैब्रिक है तो ये एकदम से बॉडी की शेप के अंदर मर्ज हो गया है। मतलब जितनी स्लिम बंदी होगी वो इसको इजीली कैरी कर सकती है। साथ में इसको थोड़ा सा फैंसी लुक देने के लिए टसल्स का काम किया है स्लीव्स के ऊपर और स्लीव्स भी इसके बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड हैं थोड़ा सा उठे हुए हैं ताकि वॉल्यूम भी है स्लीव में और आपका थोड़ा सा एक फॉर्मेशन ऑफ ड्रेस अच्छी लगेगी उससे। तो यहाँ पे हमने साथ में टसल्स यूज किए हैं बीड्स यूज किए हैं क्योंकि सितारा खुद इटसेल्फ जो फैब्रिक है वो बहुत ज्यादा एम्बेलिश्ड है और दूर से आपको इसकी शाइन प्रोमिनेंट हो रही है। साथ में आप ये कि ओवरऑल आप ड्रेस को जितना सिंपल रखें उतना अच्छा है क्योंकि फैब्रिक चूंकि बहुत ज्यादा एम्बेलिश्ड है तो मैंने इसको सिर्फ टसल्स के अलावा और कुछ नहीं यूज किया। ये खुद पूरा फैब्रिक इतना भरा हुआ है किसी और चीज की जरूरत नहीं है और इसके साथ कुछ इयररिंग्स आपको पहनने की जरूरत नहीं है। अगर आप कैरी करना चाहते हैं तो स्मॉल से टॉप्स आप कैरी कर सकते हैं। वैसे तो जितना आप सिंपल पहन लें बिल्कुल ऐसे अच्छे लगेंगे। ये जो ड्रेस है इसकी जो बेस है वो बॉटल ग्रीन है। अगर आपको थोड़ा सा क्लोजअप में क्लियरली दिखाई दे जो उसका जो नीचे नेट लगा है दैट इज बॉटल बेसिकली स्नेक इंस्पिरेशन के थ्रू उस पे मैंने ये ड्रेस बनाया क्योंकि स्नेक्स आर यू नो डार्क एंड यू नो वेरी डीप कलर्स होते हैं उनके जैसे ब्लैक हो गया बॉटल ग्रीन हो गया ब्राउन्स डार्क हो गए तो ये उससे इंस्पायर होके हुआ है। और यहाँ पे जो इसका ग्रीन और ब्लैक का जो शेड है वो टू शेड ड्रेस फिर आपका बन जाता है। नहीं इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप नज़दीक से देखें तो बड़ा वो ग्लैमरस सा जो है ना वो ग्रीन के ऊपर ये लग रहा है लेकिन इसके लिए आपको जो है ना फिर अपने आप को जरा फिट भी रखना होगा इफ यू वांट टू कैरी समथिंग दैट इज दिस फिटेड एज वेल। छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है ब्रेक का टाइम सर
वेलकम बैक टू मेहकती मॉर्निंग. आपके बाकी सवालात भी जो है वो मेरे तक पहुंच चुके हैं. अच्छा जी, मेरी आंखों के डार्क सर्कल्स बहुत प्रोमिनेंट हैं जिसकी वजह से बहुत फेस डार्क लगता है. मेरी नींद भी पूरी हो जाती है लेकिन फिर भी निशान नहीं खत्म होते. ये जो उम्र और वजन, जवेरिया गुजरात, उम्र और वजन जरूर लिख के भेजा करें साथ में. अच्छा, वैसे ज्यादा बेआरामी से या बहुत ज्यादा नींद से भी ये हो जाते हैं. अच्छा. जब हमारी बॉडी में अपनी नाक का बहुत ख्याल रखें. नाक हमारी बॉडी का थर्मास्टेट है. जब हमारी ऑक्सीजन बॉडी में शुरू पूरी जाती है तो हमें ब्लैक सर्कल की वो नहीं होती है. इसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकती हैं. जैसे हम वजू करते हैं, मुंह में पानी डालते हैं, तो मुंह में पानी डालें, वो मुंह पानी से भरा और आँखों को यूं यूं आँखों के ऊपर छींटे डालें तो वो हमारा मुँह ऑटोमेटिकली यूं यूं होता है. उस एक्सरसाइज से भी हमारे सर्कल्स सर्कुलेशन वहाँ तक पहुँच जाती है और ठीक हो जाते हैं. अच्छा, ज़बरदस्त. ये आपने ज़रूर करना है. और वो जो आप कह रही है ना कि फेस एकदम से डार्क लगता है, कि होता है जब बहुत बड़े बड़े आई सर्कल्स हो जाए ना, फिर उसकी वजह से ही हो जाता है. अच्छा, मेरी अम्मी की एज 40 इयर्स है. रिसेंटली उनको डायबिटीज़ हुआ है, अभी स्टार्ट ही है. तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये कंट्रोल हो जाए या ठीक हो जाए? बिल्कुल हो सकते हैं अगर स्टार्ट हुआ है. एक तो हम अक्सर शुगर लेवल करते हैं, HbA1c जो 3 महीने का होता है, शुगर का टेस्ट वो करते हैं. अपना इंसुलिन लेवल ज़रूर चेक करवाएं. अच्छा, वो करवाएं इंसुलिन लेवल. दूसरा, अगर आपको अभी अभी लगा है तो बगैर दवाई के आप ठीक हो सकती हैं परहेज से और एक्सरसाइज से. और वो क्या करना है, जिनको शुगर है या जिनको नहीं भी है, जो फैमिली में शुगर हो, उन सबको चाहिए कि वो 2 ग्राम सूंड, अदरक खुश्क हो जाए उसको सूंड कहते हैं, ये हमारे इंसुलिन लेवल कंट्रोल करती है. सुबह निहार में रात सोते वक्त ये ज़रूर लें 2 ग्राम सूंड. अच्छा, जिनको शुगर हो गई है, ये जो हम गंदम के ऊपर जो छिलका होता है उसको क्या कहते हैं, भूसा. हाँ, सही. वो भूसा जो जानवरों को खिलाया जाता है वो बेहतरीन सोर्स है प्रोटीन की. जो चक्की के आटे में होता है ना? नहीं नहीं नहीं, वो और चीज़ है. जो गंदम, ये तिन का होता है. अच्छा, तिन का होता है, ठीक ठीक. गंदम के ऊपर जो भूसा होता है वो तिन का नुमा होता है. ठीक है. रात 1 टेबल स्पून 1 गिलास पानी में भिगो लें, सुबह निहार में छान कर पी लें. अच्छा, फिर आपने 7 दाने पनीर डोडा, इंग्लिश में रेनेट वेजिटेबल इसको कहते हैं, और उर्दू में पनीर डोडा कहते हैं, पश्तो में खपियांगी इसको बोलते हैं, फारसी में हयात दाना. वो इसलिए बताते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा है जिनको सबको समझ आ जाए, क्योंकि ये इतनी ज़रूरी चीज़ है कि हमारे पेनक्रियाज को रिपेयर कर दिए जाए. शुगर का जिम्मेदार हमारा लबलबा है जिसको पेनक्रियाज बोलते हैं. आपकी पेनक्रियाज की फंक्शन सही हो तो शुगर कहाँ से होगी? तो आपने 7 दाने छील कर तोड़ कर 1 गिलास मिट्टी के प्याले में भिगोना है. तो जो भूसे का पानी है वो आपने पिया तो इसके 40 मिनट के बाद ये पी लें. अच्छा, ठीक. अच्छा, उसके बाद आपने 2 भिंडियाँ भिगोनी है, ऊपर नीचे से काट के बीच में चीरा लगा लें. अच्छा, ठीक है. ये सुबह आप सवेरे उठें, 3 गिलास में 40-40 मिनट का वक्फा करें. ठीक है, सही. पहले गिलास के साथ 2 ग्राम सूंड, बाकी वही जो आपने छान कर पी लिया. ठीक है. उसके बाद आपने जौ के दलिये का नाश्ता करना है. दोपहर खाने में कद्दू के सालन के ऊपर 1/2 चम्मच दालचीनी का पाउडर डालें. ये भी शुगर के लिए बेहतरीन दवाई है. ठीक है, ज़बरदस्त. अच्छा, और फिर रात सोते वक्त 1 कप गर्म दूध, 1/2 चम्मच हल्दी, 2 ग्राम सूंड, 1 चम्मच जैतून का तेल. ठीक है, ये आप जारी रखें. अच्छा, और आपने गंदम की रोटी नहीं खानी है, 1/2 गंदम 1/2 जौ ये मिक्स करके खानी है. ठीक है. और आप अपना सुबह और शाम एक्सरसाइज करें. देखें आपकी इंशाल्लाह आपका अगर अर्ली शुगर है तो वो कंट्रोल हो जाएगा. कंट्रोल. और अगर आप यही जो है रूटीन अदरवाइज इस्तेमाल करते हैं तो आपको शुगर की कभी ये प्रॉब्लम नहीं होगी. और जिनके फैमिली में शुगर हो दे शुड बी केयरफुल, क्योंकि बच्चों को भी हो सकती है, उन्हें जरूर हो सकती है. थैंक यू सो मच मिसेस अश्विन. ये फॉर्मूला जो है ना, इसका एक क्लिप बना के हम जरूर अपने पेज पे डालेंगे. हमारा फेसबुक पेज विजिट कीजिएगा, वरना आप यूट्यूब पे हमारा चैनल फॉलो कर सकते हैं. उस पर भी जो है ये आपको क्रक्स में जो है ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जो हम आपको शुगर का भी बताया है, जो क्योर का अर्ली अगर ऑनसेट ऑफ शुगर है तो किस तरह उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं. जल्दी से मैं आपको एक दफ़ा जिस ड्रेस की हम बात कर रहे थे वो दिखा देती हूँ, जो बन के आ गया है. इसको आप इधर ही बैठे बैठे अगर दिखा देंगे, क्योंकि आई थिंक हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया. जी बिल्कुल, ये सिंपल सा ट्यूनिक शर्ट है बन चौक के साथ, और इसके अंदर एनिमल प्रिंट को रिपीट्स दिए गए हैं डिफरेंट स्क्वेयर्स की फॉर्म में, जैसे आप रिपीट करते हैं. और साथ में आप सिंपल ब्लैक ट्राउजर कैरी कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एम्बेलिशमेंट नहीं की गई, सिर्फ स्क्वेयर नेक लाइन के ऊपर आप कोई भी सितारे की पट्टी लगा सकते हैं.
सकते हैं ताकि थोड़ा सा एक फैंसी लुक आ जाए, बाकी बिल्कुल ये सिंपल है ड्रेस। ठीक है जी। अच्छा एक सेकंड अगर आप खड़े हो तो मैं आपको ये दिखा दूं कि जो हम बन चाको की बात कर रहे थे, जो वहाँ पे हमारी शर्ट बनी है उसका भी फाइनल लुक जो है उसका भी फाइनल लुक यही होगा जी। और साथ में हम फेक पॉकेट्स भी दे सकते हैं, यहाँ पे देखिए फेक पॉकेट्स हैं। फेक पॉकेट्स भी मजे की, बड़ा गुस्सा आता है मुझे ये डिजाइनर, आज मैंने इनको पकड़ूंगी कि जो आपकी पैंट्स होती हैं, कोट्स होती हैं, उनमें फेक पॉकेट्स होते हैं, आप इतने शौक से जो है वो करते हैं और वो फिर मिलते ही नहीं है। थैंक यू सो मच शिमरा फॉर बीइंग हियर, थैंक यू मिसेस अशोक फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़मान में रखे। थैंक यू मास्टर साहब, आपको मैं थैंक यू कह रही हूँ। अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को अपने ज़मान में रखे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को। अच्छा सा वीकेंड गुजारिएगा, फैमिली के साथ बाहर जाइएगा, फैमिली को टाइम दीजिएगा, अपने पेरेंट्स को कॉल करें, उनसे मिले, अपने दादा दादी नाना नानी को जो है कॉल कीजिए, जाके उनसे मिले, अच्छा सा वीकेंड गुजारें। मंडे को मुलाकात होगी